हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो ये आज 6 तारीख का शूट है, जून का, शनिवार का दिन है। और आज सुबह 7 बजे मैं जब जगी तो बर्तन वाली आ चुकी थी 7 बजे, और 7:30 बजे वो जैसे ही बर्तन धो के घर से निकली तो बस इतनी तेज़ पानी बरसने लगा। और ये 7:30 बजे से पानी लगातार 8:30 बजे तक कंटिन्यू बरसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही बरसा। तो फिर मैं सुबह शॉप खोलने मुझे जाना था, तो फिर मैं नहीं गई। फिर मैंने 9 बजे शॉप खोली थी झाड़ू वगैरह लगाने को, और हस्बैंड मेरे अभी सो रहे हैं। और ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है, और ये देखिए पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं ये भी पानी बरसने की, क्योंकि इनमें चाहे जितना पानी डालो लेकिन बारिश के पानी की बात ही अलग होती है। और मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी तुलसा जी, ये भी बढ़िया हरी भरी हो गई हैं इस समय। और ये सुबह के 10 बज चुके हैं, और अभी मैं शॉप से आने के बाद नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ कुछ मनोकामना में, काफ़ी सारे फूल आज लगे हुए थे तो कुछ तो मैंने तोड़ के भोले बाबा में चढ़ा दिए हैं। और अंदर के मंदिर में पूजा करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे तोड़ रही हूँ, और ये बहुत ही सुंदर, इनमें खुशबू आती है। तो बस थोड़े से मैं यहाँ पे तोड़ लेती हूँ, 9-10 फूल थे इसमें लगे हुए, तो मैंने सोचा कि इसको तोड़ लेती हूँ। अगर नहीं तोड़ूँगी तो वैसे भी ये एक आध दिन में सारे झड़ जाते हैं, सब ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो इससे अच्छा मैं इनको तोड़ के भगवान में ही चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फूलों को तोड़ लिया है, 2-4 बचा दिए हैं। और फिर उसके बाद आज और भी बढ़िया फूल लगे हुए हैं, तो मैं उनको भी तोड़ूँगी और मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये सारे फूल मैं ले आई हूँ तोड़ के, और इसके बाद मैं दूसरी तरफ के भी फूल तोड़ूँगी। और मैं ये दूसरी वाली बालकनी में मैं अब आ गई हूँ, और यहाँ पे ये पर्पल वाले फूल खिले हुए हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है। तो ये फूल भी मैं सारे के सारे तोड़ लूँगी, कम से कम ये 15-20 फूल थे। और अगर मैं इनको नहीं भी तोड़ूँगी तो शाम तक ये वैसे भी मुरझा जाते हैं, तो इनको सारे के सारे मैं भी तोड़ लूँगी। और जो फ्रंट वाली बालकनी है उसमें भी ये लगे हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊँगी, वो लगे रहेंगे, क्योंकि वो फ्रंट में खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, और ये कॉर्नर में फूल हैं, तो इनको मैं सारे के सारे ही तोड़ लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी, मैं जल वगैरह भी सब भर के रखाई हूँ, तो अभी मुझे जाके हाँ भोले बाबा को स्नान भी कराना है। तो बस ये फूल मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं, और मैं फिर उसके बाद सपना सबसे लास्ट काम जो मेरी पूजा की तैयारी है, यहाँ पे मुझे कुछ शमी की पत्तियाँ तोड़नी है, और तुलसी की पत्तियाँ मैंने तोड़ ली हैं, उसको मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे मैं शमी की कुछ पत्तियाँ ले लूँगी भोले बाबा में चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं शमी की पत्तियां तोड़ लेती हूँ, और इतना ज़्यादा पानी बरस गया कि अभी सुबह के टाइम पौधों में पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर धूप निकल आई तो फिर शाम को मैं पौधों में पानी डाल दूँगी। और ये देखिए पत्तियां मैं तोड़ लाई हूँ, और फिर लंच वगैरह से फुर्सत होकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, 1 घंटे के लिए, और बाकी काम भी मैंने निपटाए। और अब ये शाम के बज रहे हैं 5, और बस मैंने अभी चाय बनाई है और हस्बैंड जी को बाल्टी से दे दी है चाय। और यहाँ पे देखिए 1 कप चाय मैं भी ले आई हूँ, बस यहीं पे बैठ के पीऊँगी, क्योंकि आंगन में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ही अच्छा था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो एकदम ठंडी हवा चल रही थी। तो बस यहीं पर मैं अपनी चाय पीऊँगी, और थोड़ी देर यहाँ पर मैं बैठूँगी, फिर मोटर खोल के मुझे पानी भरनी है, और उसके बाद पति देव जाएँगे शनिदेव में दीपक जलाने। और ये देखिए यहाँ पे चद्दर आप देख रहे होंगे, ये मैंने दोपहर में धुल के फैलाया था, ये कितना तेज़ उड़ रहा है, इससे आप हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। और फिर बस शाम को मुझे डिनर वगैरह की तैयारी भी करनी होगी, तो अब चलते हैं दीपक बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं दीपक बना के ले आई हूँ अपने हस्बैंड जी को देने के लिए, और अब ये
मैं शाम को जो दीपक रखती थी, तो शनिवार को मेरे हस्बैंड रखते हैं दरवाजे का जो दीपक रखा जाता है, तो शनिवार को ये पूजा करते हैं शाम को जल्दी, तो ये रख देते हैं यहीं दरवाजे पे। और यहाँ दरवाजे पे दीपक रखने के बाद फिर ये पीपल के पेड़ के पास जाके दीपक रखेंगे, तो यहीं पे वह भी अपनी थाली तैयार कर रहे हैं। और सबसे पहले वो मुख्य द्वार पे दीपक रख देंगे, ये उनका हर शनिवार का नियम है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए आ गए हैं, तो यहाँ पे दीपक रखने का काम रोज का मेरा है, लेकिन शनिवार को ये 6 बजे तक मेरे पतिदेव दीपक जला के रख देते हैं, और फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे पीपल के पेड़ में दीपक जलाने के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारी गली से निकल के रोड पे पहुँचो तो बस रोड पे वो पीपल का पेड़ मिल जाता है। तो हस्बैंड मेरे ये हर शनिवार को जाते हैं दीपक रखने के लिए, कोई कारण हो ऐसा पड़ गया तो चाहे मिस हो जाए, लेकिन ये वो कम ही मिस करते हैं, पीपल के पेड़ पे वो रेगुलर दीपक जलाते हैं शनिवार को। पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महान, चतुर्भुजाधारी नीलांबरधारी नत गज की असवारी, जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।